नवगछिया की गोपालपुर से एक अमानवीय घटना सामने आई है। मामला ऑनर किलिंग का है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी, दामाद और 2 साल की नतनी को गोली मारकर हत्या कर दी। मामला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव की है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी, दामाद और नतनी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। मृतक चंदन कुमार और चंदा देवी 2021 में भागकर प्रेम विवाह किए थे। इसके बाद उन्हें एक बच्ची भी हुई। कुछ दिन पहले ही लड़का अपनी पत्नी और बच्ची के साथ घर वापस आ गया। वहीं लड़का और लड़की का घर एक ही गांव में है। वहीं आज जब लड़का अपने पुराने घर पर रह रहे अपने माता पिता से मिलकर पत्नी चंदा और लगभग 2 साल की बच्ची रोशनी कुमारी अपने नए घर जा रहे थे, इसी क्रम में चंदा के पिता पप्पू सिंह और भाई धीरज कुमार के द्वारा तीनों को गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मरने वाला मेरा भाई, छोटा भाई चंदन कुमार। कैसे हुआ पूरा, क्या कारण? प्रेम प्रसंग, शादी किया था 1-1.5 साल पहले। शादी के बाद ही अपने घर में बढ़िया ढंग से रह रहा था। इसकी मेरी माँ बीमार पड़ गई 1 महीना पहले। क्या नाम उसका? नाम मेरा नाम केदारनाथ सिंह। माँ का नाम बालिका देवी। और पिताजी भी मेरे पहले से अस्वस्थ हैं, गणेश प्रसाद सिंह। तो ये माँ बाप को देखने के ख्याल से आते जाते थे। मेरा एक नया घर रोड किनारे पीपल गाछ के नज़दीक है, पुराना घर मेरा बीच गांव में है। आज भी माँ बाप को देख के जा रहे थे। और लड़की का पिताजी इसी मकान में, महेश्वर स्वर्गीय महेश्वर सिंह के मकान में वो काम कर रहे थे, लड़की के पिताजी उन पप्पू सिंह। उन्होंने रॉड से मारा। इसके बाद उनका भाई आया, जिसका कि नाम मुझे स्मरण नहीं है, कोई बता दो भाई। धीरज कुमार, तो बेटा वो आया और उन्होंने पिस्टल से गोली मार दिया। जब तक मैं हम लोग दौड़े मर चुका था। हम भी घरे पर थे, गाय को खाना दे रहे थे, हम तीनों भाई घरे में। 4 बजे तीनों साथ में थे, बच्चा। हाँ, बच्चा माँ बराबर आते जाते थे, माँ को देख के फिर चल जाते थे नए घर पर। गोली किसको किसको लगी है? चंदन कुमार, रोशनी कुमारी और उसका नाम भूल रहे हैं। विवाद रोज हमेशा? नहीं, विवाद नहीं हो रहा था। शादी के बाद प्रेम प्रसंग में कोर्ट मैरिज किया गया था। शादी के बाद वो भी अपने घर, ये भी अपने घर में रह रही। शादी 2021 में, लगभग मानिए 2 साल हो गया। इसके बाद एक बार भी बीच में विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद नहीं हुआ। एकाएक आज ऐसा, एकाएक घर से आ रहे थे, एकाएक काम कर रहा था लड़की के पिताजी। रोड वहाँ पर रखा हुआ है, छर मोड़ने वाला, उसी रोड से मारा। जब तक गोली की आवाज़ सुने, जब तक हम दौड़े, तब तक मैं प्राण निकल चुका था। कितना गोली चला? गोली तो 2-3 गोली का आवाज़ हम सुने। अब कितना गोली चला हो तो कहाँ थे आप जिस समय गोली चला? हम गाय को खाना दे रहे थे यहीं पर। नहीं, मेरा घर थोड़ा सा पीछे है, तो लोग सब बोला। तो फिर मेरा भाई है, छोटा भाई। लड़की का घर कहाँ है? लड़की का घर भी यहीं है, नवटोलिया में ही। आप लोग का भी घर नहीं है? मेरा भी घर नवटोलिया। चंदन करे की काम क्या करता था चंदन? खेती बाड़ी अपना ही काम, देख रेख, गाय बकरी। बाहर भी रहता था? बाहर गए थे बीच में 3-4 महीने के लिए, फिर आ गए थे। कब आए थे? 1 महीना पहले आए। पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी तो 5 साल से अस्वस्थ हैं, वो हार्ट का रोगी है वो। माँ को पोलियो मार दी थी 1 महीना पहले, भागलपुर से दिखा के लाए थे। तो हम लोग इधर उधर चल जाते थे, तो आके तेल उल दवाई उवाई फलना चिलना करती थी घर में। क्या भाई हैं आप लोग? 5 भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं? नहीं, एक और हमसे बड़े हैं, प्रवीण कुमार सिंह। उनके बाद? उनके बाद केदारनाथ सिंह। और इसके बाद एक बहन है मेरी, पुष्पा कुमारी। इसके एक भाई है, उसके बाद राजीव कुमार। इसके बाद है अमन कुमार, अमन उससे छोटा भाई, उससे ही छोटा था चंदन कुमार। आपका नाम? मेरा नाम केदारनाथ सिंह। लड़की पढ़ी लिखी हुई है? हाँ, लड़की पढ़ी लिखी हुई है। नहीं, कुछ नहीं करती थी। देखिए, लगभग 4:15 की बात है, जानकारी प्राप्त हुई थाना प्रभारी को, इस गांव में हत्याएं हुई है। पता चला कि एक चंदन कुमार
जिसका उम्र लगभग 40 साल होगा, और उसकी पत्नी चांदनी जिसका लगभग 25-30 साल रहा होगा, और उसका मासूम बच्चा लगभग 1 या 1.5 साल बच्चा होगा, और दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं, और लगभग 2021 में दोनों में प्रेम प्रसंग से शादी हुई थी, और उस प्रेम प्रसंग के कारण जो लड़की थी उसके पिताजी नाराज चल रहे थे, और जब कभी मौका उसको मिलता था गांव में झगड़ा करता था ये, तो आज भी ये दोनों ये पति पत्नी अपने बच्चे के साथ पुराने वाले घर से नए घर पे जा रहा था। तो जो लड़की है उसका पिताजी यहीं पे मजदूरी का काम कर रहा था, और रास्ते में देखा तो फिर वो रॉड लेके आया और अपने दामाद और बेटी पे वार कर दिया। दामाद का हार्ट भी टूट गया, और मैंने बेटा को भी बुला लिया, और बेटा आज ने साथ वो फायर किया, जिस फायर कर में दोनों पति पत्नी जो उसका अपनी सगी बहन थी चांदनी और जो दामाद था चंदन और जो मासूम बच्चा थी रोशनी, हत्या तीनों की हो गई है। जानकारी मिलते ही हम लोग सभी यहाँ पहुँच भी गए हैं, FSL टीम रास्ते में है, और हम लोग का वो टीम गठन भी कर दिया गया है, हम बहुत जल्द छापामारी कर लेंगे। टीम में कौन कौन लोग हैं? अभी हमने एक इंस्पेक्टर टाउन और रंगरा थाना पर भी भेजा है रेड के लिए एक टीम को, दूसरा टीम गठन किया गया है जिसमें SDPO इस्माइलपुर और पर्वता थाना पाई रहेंगे, वो भी टीम में निकलेंगे। सर किसको किसको कितनी गोली लगी है वो अब देखने की बात है, FSL टीम आ रही है, वो देखिए कहाँ गोली कितनी गोली लगी है। सर पहले भी कभी विवाद हुआ था क्या? सर मैंने पहले भी कहा कि ये जो इसका पिता था लड़की चांदनी है उसका पिता, जब उसे गांव में कभी मौका मिलता तो वो लड़ाई करता था, डांटता फटकारता था, मारपीट भी करता था, बगझग भी करता था, उसी कड़ी में घटना आज ये घटना हुई है। ये घटना कहाँ पे हुई है सर? ये नव टोलिया में जहाँ खड़े हैं आपसे जस्ट पीछे घटना घटी। इसमें क्या कुछ पुलिस प्रथम दृष्टया आपको पहले का हत्या हुई है पहले का हत्या हुई है हत्या का कि ये प्रेम प्रसंग शादी हुई थी, उस प्रेम प्रसंग शादी से इसके पिताजी नाराज चलते थे, नाराज और भाई बाप नाराज चलता था, उसी घटना में घटना घटी। नौगछिया पुलिस को द्वारा ठगी के एक मामले में अपने आप को कांग्रेस नेता बताने वाले संजीव सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज दिल्ली से नौगछिया लाया गया। नौगछिया थाने में पूछताछ के बाद मेडिकल के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया और वहां से कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल संजीव कुमार सिंह अपने को कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता बताते हैं और कांग्रेस पार्टी में पर्यवेक्षक प्रभारी बताते हैं। नौगछिया थाने में इन पर 5 मई 2013 को चंदेश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कोर्ट के द्वारा इनकी गिरफ्तारी वारंट निकाली गई थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई। वहीं 10 सालों के बाद कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हो पाई है। वहीं गिरफ्तार कांग्रेस नेता अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का उम्मीदवार बता रहे हैं और राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता हूं, पर्यवेक्षक प्रभारी हूं, और 2024 में भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ूंगा। और जो ये 2013 का झूठा मामला है मैं इसको कभी जानता नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी खींचतान शुरू है। इसको लेकर भाजपा को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस घमंडिया अलायंस है, इतने घमंड में है और पार्टी में सांसद 0 है और आपस में सिर फुटा हुआ है। जदयू राजद और कांग्रेस के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। जदयू तो मोदी जी के नाम पर 16 सीट जीत गई थी,
कांग्रेस के पास एक और राजद के पास जीरो है। यह दोनों मिलेंगे तो जदयू भी जीरो हो जाएगा। महागठबंधन के लोग बिहार में खाता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जो इंडिया अलायंस था ये घमंडिया अलायंस पहले ही हम लोग कहते थे, इतने घमंड में है, कई पार्टी ऐसी है उसमें जिसको लोकसभा में सीट है जीरो, लेकिन बात लंबी लंबी है और आपस में ये सिर्फ पटवल हो रहा है। जदयू कह रहा है कि हम 17 ही लड़ेंगे, बाकी सबको बांटना है तो बांट लो। जदयू राजद और कांग्रेस के बीच में कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो ऐसी बयानबाजी आ रही है। अब इन लोगों का कंपटीशन है तीनों दलों का, कौन जीरो सीट लाएगा। जदयू तो मोदी जी के नाम पे 16 सीट जीत गई थी, राजद के पास है जीरो, कांग्रेस के पास है एक, और ये दोनों मिलेंगे तो जदयू भी हो जाएगा जीरो। यानी अगर तीनों दल को ले लें, 2014 में हमसे अलग थे जदयू के लोग, तो उनको 2 सीट आई थी बीजेपी से अलग होके, और पिछले लोकसभा के चुनाव में राजद को 0 आई थी, कांग्रेस को 1 आई थी। तो इन तीनों को मिला के अगर 14-19 को मिला दें तो 3 सीट है, 2 जदयू के पास और 1 कांग्रेस के पास। यानी 14 में जदयू का तो पहला अकेला चुनाव होगा ना बिना बीजेपी के। जब अलग हमसे लड़े थे तो 2 ही सीट आई थी। तो ये लोग इस प्रयास में है कि खाता खुल जाए बिहार में, और बीजेपी के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का खाता न खुले बिहार में। जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर जिला परिषद सदस्य का शिष्टमंडल आज भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय में जिलाधिकारी से मिलकर लगभग 20 जिला परिषद सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव ने कहा कि वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष के कामकाज से हम सभी जिला परिषद सदस्य खुश नहीं है। इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किसी तरह का कोई विकास नहीं किया है, जिसको लेकर हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग जिलाधिकारी से आज की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि नगर पालिका के नियम के अनुसार जो भी नियम होगा, इस नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। आज हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। जो प्रोटोकॉल का जो नियम है, 7 दिन के अंदर अध्यक्ष को एक तारीख निर्धारित करना था चुनाव के लिए, उन्होंने किया नहीं। 7 दिन से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये नियम है कि अगर अध्यक्ष इस पर डेट नहीं देते हैं तो उस पर डीएम साहब संज्ञान लेते हुए डीएम निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम लोग डीएम सर से मिलने आए थे। डीएम सर बोले कि हम देख लेते हैं और फाइल आगे बढ़ाते हैं, हम डेट दे देते हैं, 1-2 दिन में डेट दे देंगे। क्या चाहते क्या हैं आप? चाहते हैं डीएम सर अपने निगरानी में चुनाव कराए तो हम लोगों के लिए, हित के लिए अच्छा है, और हम लोग बहुमत में हैं। हमारा जो अभी जो अध्यक्ष हैं उनका बहुमत है ही नहीं, इसलिए वो लिंगर करना चाहते हैं, अपना जो उनका जो कारनामा है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते उस चीज को। 8 दिन का टाइम इन्वेस्ट कर दिया और विश्वास की नौबत 2 साल बीतने के लिए, 2 साल भी अब हमको बोलने दीजिए। और विश्वास का नौबत तो बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन कुछ खास मुद्दा है तो उनका कार्यकाल 2 साल तक हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद योजना पे भी भेदभाव किया गया और मनमानी ढंग से योजना किया गया और किसी का सुने तक नहीं। हमारे कुछ पार्षद भी उनसे मिलने गए शाम के टाइम में, तो उन्होंने उनका कहना हुआ कि हम अध्यक्ष हैं, जो चाहेंगे हम वो करेंगे, आपको जो कवाड़ना आप कवाड़िए। तो इस सब शब्द का प्रयोग करते हैं और योजना में भी भेदभाव किया गया हम लोगों के साथ में। और हम लोग योजना भी नहीं किए, उन्होंने 5 से 7 करोड़ योजना कर चुका है और हम लोग कोई जान तक नहीं रहते। ये तो हमारे DDC सर आए थे, नया थे, बैचलर हैं, युवा हैं, तो इन्होंने पारदर्शिता सबके सामने किया और उनका समय भी पूर गया था। और बुराई का अंत भी होता है, जो सच्चाई है उसको तो एक दिन उजागर होना ही है, इसीलिए हम लोग जो है इस पर अविश्वास का प्रस्ताव डाले। 2 सालों से रवैया उनका बिल्कुल ही पार्षद के प्रति बहुत ही गलत रवैया था। पार्षद को हमको लगता है कि भेड़ बकरी के समान भी वो सम्मान नहीं देता था। हम लोग तंग आ चुके थे उनसे 2 साल से।
अब काम और विकास का नाम कहकर कुछ वो सब था ही नहीं कि विकास करना है क्षेत्र में। भागलपुर से हम लोग देखिए सनौला से आते हैं, कोई पीरपैंती से आता है, कोई उस पार से आता है, लेकिन कभी भी दो साल तक कोई काम नहीं हुआ। जब वो विश्वास उनके ऊपर लगने की बात हो रही थी तब किसी तरह से 5 गो 6 गो योजना हम लोगों का शुरू करवाया क्षेत्र में। उससे पहले हम लोग 2 साल आते थे जाते थे, कहीं कुछ नहीं होता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानंद कुमार और सुजीत सनौला पूर्वी सम जिला पार्षद हैं। किस तरह का मजबूती है इस बार? बहुत बढ़िया मजबूती है और ये मजबूती टूटने वाला नहीं है। चाहे कितना दम लगा ले, कोई ताकत लग जाए, इसको तोड़ नहीं सकता है। 20 वोट है तो 20 वोट में 20 वोट लेंगे, 19 नहीं हो सकता है, 22 होगा, 23 होगा, 19 नहीं होगा। अगर एक भी वोट हम लोग का कम हो गया तो एक पार्षद का 19 पार्षद हम लोग दुश्मन बन जाएंगे, उसको जीना नहीं देंगे, ये वादा है। के सभी सम्मानित जिला परिषद सदस्य और सदस्यगण जो भेदभाव बरता गया हम लोगों के साथ अध्यक्ष जी के द्वारा, पंचम का योजना, सष्टम का योजना, पंद्रहवीं का योजना, ये सारे योजनाओं का लगभग 4.5 करोड़ का काम वह स्वतः अपने काम के लिए बने थे, हम जिला परिषद सदस्यों के लिए और सदस्य के लिए वो नहीं थे। व्यवहार कुशल भी नहीं उतरे और भीतर ही भीतर अपना काम ले जा कर के अपने एजेंसी के द्वारा करवाते थे। हम लोगों ने उसका विरोध किया तो वो कहे कि कोई किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप लोग मेरा कुछ नहीं कर पाइएगा। तब हम लोग सोचे कि आखिर करें क्या। हम तमाम 19 जिला परिषद 20 जिला परिषद एकत्रित होकर के मिथुन जी को हम लोगों ने तैयार किया, क्या विपिन बाबू? उन्होंने कहा कि मिथुन जी नहीं सकेंगे, हम नहीं बनने देंगे, लेकिन हम 20 जिला परिषद एकत्रित हैं, सदस्य भी एकत्रित हैं हम लोग, और किसी भी स्थिति परिस्थिति में टूटने के लिए हम लोग नहीं, हम लोग सत्तू चूड़ा बांध लिए हैं। और कैलाश बाबू के नेतृत्व में, धनंजय मंडल के नेतृत्व में, डब्लू बाबू के नेतृत्व में, विपिन बाबू, विजय बाबू, ये हमारे 10 गो खुट्टा हैं, मोइन बाबू, ये खुट्टा के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं और सब लोग एक जगह एकत्रित हैं। आपने अभी हमारे मिथुन जी से, जो हमारे जिला अध्यक्ष चेयरमैन बनेंगे, उनसे आपने पूछा कि ये एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। हमारी सदस्य है आशा जायसवाल, जो जिला परिषद सदस्य है सुल्तानगंज से, उनका उस दिन बर्थडे था, तो हम लोगों ने विजय बाबू पति पत्नी के साथ हम लोग सब मिल करके डांस किए, कोई ताली बजाए, खुशी का इजहार किए। जन्मदिन, बर्थडे, इस सब में तो हम लोग, शादी विवाह में, इस सब तो समारोह में हम लोग नाचते गाते हैं। अब इसको बर्थडे हमारा वहाँ 3-4 आदमी का हो चुका और तीनों चारों बाबा के नगरी में, हम लोग को वहाँ शबाब और शराब के चक्कर में नहीं है। डेली सुबह उठते हैं, बाबा का जाके बाबा को जल चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं कि पापियों का नाश हो, अन्यायियों का नाश हो और इधर सदाचारियों का विजय हो। अभी जो गांठ बांधे टूटेगा नहीं ना? नहीं, कभी नहीं। हमारा जो 20 पार्षद है, सदस्य और सदस्या है, ये करोड़ों और कुछ भी करने से, कोई भी लालच देने से हमारा टूटने वाला नहीं है ये। भागलपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भागलपुर के बढ़ेपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद बढ़ेपुरा में जिला प्रशासन की ओर से काफी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया। बढ़ेपुरा के लोगों का कहना है कि मोहल्ले में कई महीनों से बिजली का तार जर्जर स्थिति में है, ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा है, विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने कहा कि जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे के बारे बताया जा रहा है। विरोध कुछ नहीं है, दिक्कत भी कुछ नहीं है, सभी लोग लगाने के लिए तैयार थे, तैयार है, क्योंकि सरकार का आदेश है उसका तो पालन करना ही है, जो पालन नहीं करेगा तो वो सरकार विरोधी है, तो उसका तो पालन करना है। लेकिन एक हम लोग बैठक इसलिए बुलाया था कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास जो दूसरे के काम करती है और उसके कमाने वाला कोई नहीं, गरीब आदमी अगर मान लिया कि बीच में उसका रिचार्ज ख़त्म होता है, उसको घर वाला जो 15 या 20 तारीख को पैसा देता है, तो तब तक पैसा जमा नहीं करेगा रिचार्ज का, तब तक वो कैसे ये करेगा, उसका समाधान करेगा? तब तक तो बेचारा अंधेरे में रहेगा बेचारी। दूसरा क्या है कि सरकार पहले किरासन तेल देती तो डीबीए का भरोसा था, अब तो वो डीबीए का भरोसा भी ख़त्म हो गया, किरासन तेल देना बंद कर दिया, तो इसके माने कि वो अंधेरे में। हम लोग का समस्या ये कि जो पैसे वाला है जो है वो तो लगाएगा ही, चूँकि मीटर लगना भी चाहिए, ये सरकार का आदेश है। दूसरा क्या है
कि देखिए अभी मेरे मोहल्ले में ये लोग अपना पूर्ति कर रहे हैं, मेरे मोहल्ले में दो लड़का करंट से मर गया, उसके एवज में सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, मुआवजा नहीं मिला, एक पैसा नहीं। वो लड़का दोनों मर गया, एक भाई को ये दूसरे के घर से तार ले आ करके वो लाइन दिया था, लड़का जाके वहाँ पे टंगनी पे कपड़ा दिया, टंगनी न देख रहे वो बिजली पे चला गया, एक भाई को पकड़ा, दूसरा भाई गया वो चट के मर गया, दोनों घर का कमाने वाला था। तो हम लोग का यही समाधान, ये हम लोग का ये था। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो जो समस्या, जैसे समस्या क्या है कि ट्रांसफार्मर पे एक ट्रांसफार्मर में 200 KV का ट्रांसफार्मर है, उस पर 400 कंज्यूमर है, रोज फेज उड़ता है, कॉल सेंटर फ़ोन करो तो कॉल सेंटर फ़ोन नहीं उठाता है, तार का जर्जर हाल है, ऐसा कि सुतली की तरह तार गिरता है, उसके वजह से बेचारा घोड़े वाला जा रहा था उसका घोड़ा मर गया तार गिरने से। दूसरा क्या कि आप चल के देखिए पोल जो है ज़मीन पे सोया हुआ है, उस वो ठीक नहीं। तो हम लोग कह रहे सबको आप दुरुस्त कर दीजिए, हम लोग खड़े होकर मीटर लगाए। तो ये दादागिरी कर करके यहाँ पे फोर्स को बुला के कि मीटर, तो रोज़ तो यहाँ पे फोर्स नहीं आएगा ना भाई। हम लोग का समाधान ये है कि आप भी खुश रहिए, हमको भी। क्या कार्रवाई सर की जा रही है? देखिए कि आप लोग को जानकारी है कि बिजली विभाग के द्वारा सभी जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसी में हम लोग बरहपुरा में भी यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। कुछ यहाँ पे लोगों का विरोध था, उसके लिए यहाँ पे बिजली विभाग के द्वारा आज एक टीम की को भी बैठाया गया था, खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा लोगों को बताया गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से क्या क्या फ़ायदे हैं, और उससे संबंधित पैम्पलेट भी दिए गए लोगों को, ताकि आगे भी उनको कोई भी रिचार्ज या फिर इससे संबंधित जो भी समस्या करने में ना दिक्कत हो। साथ ही साथ उनको यह भी निर्देश दिया गया है कि अभी लगातार 3-4 दिन वो अपनी टीम को यहाँ पर बैठा के रखेंगे, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनका जो भी मतलब टेक्निकल समस्या या जो भी उनको जानकारी लेनी है। राजधानी पटना के भीटा से भागलपुर पहुंची एनडीआरएफ और भागलपुर एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर आपदा मित्र के साथ बरारी गंगा घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा मित्र कर्मियों को आपात स्थिति में लोगों की जान कैसे बचाई जा सके इसका प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही भागलपुर के गंगा देरा क्षेत्र में बाढ़ के समय में कैसे लोगों की मदद ली जा सके इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया। सर ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था जो 9 NDRF बीटा पटना की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर गाइडेंस ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि दिल्ली के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये मॉक एक्सरसाइज था फ्लड वाटर रेस्क्यू का, जिसमें लोकल्स को ये बताया गया है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है, कैसे फर्स्ट एड देना है, और उसको कैसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। ये मॉड्यूल में कौन कौन शामिल था सर? इसमें NDRF, SDRF, लोकल वॉलेंटियर्स ये लोग पार्टिसिपेट किया था। इन आपदा मित्र गोताखोर और आपदा मित्र गोताखोर भी थे और लोकल्स भी थे जी। आपका अपना ही छात्र संगठन आयशा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर BCA 6th semester प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भरने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इसके बाद शाम में प्रॉक्टर के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक से वार्तालाप हुई। वार्ता के बाद आयशा बिहार राज्य उपाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा ने बताया, परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि 1 से 4 semester तक के एग्जाम का डेट निकाल दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि जो भी छात्र प्रमोटेड है वो अपने सेमेस्टर का फॉर्म भरकर क्लियर करे, साथ ही 6th semester के लिए 6 दिन का समय मांगा है। साथ ही कहा कुलपति से वार्ता करके इस पर ठोस निर्णय निकालकर छात्रों के भविष्य को देखते हुए आगे डेट जारी किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे निकट आ रहा है, पूरे देश का माहौल भक्तिमय बनता जा रहा है। जगह जगह लोग इसको लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, साथ ही घर घर जाकर अक्षत देकर लोगों को 22 जनवरी के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसी क्रम में नाथनगर प्रखंड के बिशनरामपुर पंचायत छोटी गुड्डी में ग्रामवासियों ने राम यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। साथ ही हर घर में जाकर अक्षत देकर 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए लोगों को निमंत्रित किया। साथ ही अपने अपने घर में दीप जलाकर दीपावली मनाने का भी संदेश दिया। मौके पर ग्रामीण बबलू राम, बुद्धन राम, आलोक राम, पंकज राम, रुदल राम सहित अन्य लोग मौजूद थे।